मेरा नाम है चैन कोंगसैंग, पर आप मुझे जैकी चैन के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मुझे युएन लाओ या बिग ब्रदर भी कहते हैं। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, स्टंट डायरेक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर और सिंगर भी हूँ। बहुत कुछ करता हूँ ना। तो चलिए मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा जन्म 7 अप्रैल 1954 को हांगकांग, चाइना में हुआ था। मेरे माता पिता और मैं ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए। मेरे पिताजी वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में हेड कुक थे। मुझे उन्हें कुकिंग करते हुए देखना बहुत पसंद था। वहाँ प्राइमरी स्कूल के पहले ही साल में मैं फेल हो गया। मुझे पापा ने वापस हांगकांग भेज दिया और मेरा एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। मुझे मार्शल आर्ट्स, एक्रोबैटिक्स और सिंगिंग करना बहुत पसंद था। मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहता था। स्कूल में मैं 7 Little Fortunes का हिस्सा था। ये स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स का ग्रुप था। यही से मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। मैं 8 साल का था जब मैंने द लव इटर्न और कम ड्रिंक विथ मी जैसे फिल्मों में काम किया। आगे मैंने मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। मैंने कराटे, जुदो और ताइक्वांडो भी सीखा। ये सब करते हुए मैं अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाया। मेरे मम्मी पापा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और मैं अकेला हांगकांग में। मेरे आसपास मारपीट, गुंडागर्दी करने वाले बहुत से लोग थे। मेरे कुछ दोस्त ड्रग्स भी बेचा करते। मुझ पर भी बहुत बार दबाव डाला जाता। एक्चुअली मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं ड्रग्स से दूर रहूंगा, जुआ, कसीनो, गैम्बलिंग इनसे भी दूर रहूंगा, और मैंने अपना प्रॉमिस आज तक निभाया है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक स्टंट मैन के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू किया। मुझे एंटर द ड्रैगन फिल्म में ब्रूस ली के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ काम करना, उन्हें करीब से देखना कमाल का अनुभव था। 1973 में मुझे पहली फिल्म मिली। फिल्म कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। मेरे पास कोई काम नहीं था। सर्वाइव करने के लिए मैंने एक अडल्ट फिल्म में काम किया। ये मेरी इकलौती फिल्म है जिसमें मेरा एक भी स्टंट सीक्वेंस या फाइट सीन नहीं है। उस वक्त ये फिल्म करना मेरी मजबूरी थी। 1976 में मैंने डिक्सन कॉलेज में एडमिशन कर ली और साथ ही एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करने लगा। वहाँ एक बिल्डर थे जिनका नाम जैक था। उन्हीं के नाम से मुझे लिटिल जैक बुलाया जाने लगा और बाद में जैकी। इस प्रकार मैं बन गया चैन कोंगसैंग से जैकी चैन। एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम करते वक्त मुझे एक टेलीग्राम आया। ये विली चैन थे जिन्होंने मुझे एक फिल्म का ऑफर दिया। वो मेरी पिछली फिल्मों के स्टंट्स देख के इम्प्रेस हुए थे। हमने एक फिल्म बनाई। हम नाकामयाब रहे, फिल्म नहीं चली, पर मेरे स्टंट्स की वजह से मुझे छोटे मोटे काम मिलते रहे। 1978 में स्नेक इन द ईगल शैडो आई। फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे पूरी छूट दे दी कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को यूज करूं, स्टंट्स अपनी स्टाइल में करूं। ये मेरी पहली सुपर हिट फिल्म थी। मुझे लगता है कि कुंफू और कॉमेडी का बैलेंस ही था जिस वजह से मेरी फिल्में कामयाब हुई। ड्रंकन मास्टर, स्पिरिचुअल कुंफू, ये फिल्में भी बहुत सक्सेसफुल रही। 1981 से मैंने हॉलीवुड में कुछ फिल्में की। वहाँ एक के बाद एक मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। मुझे अपनी शर्तों पर काम करना मुश्किल हो रहा था। मैंने डिसाइड किया कि मैं हांगकांग सिनेमा में ही फोकस करूंगा। मैं हांगकांग वापस आ गया जहां लोगों से मुझे प्यार मिल रहा था। द यंग मास्टर फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यहां तक कि ब्रूस ली की फिल्मों के भी। मैं चाइना का सबसे बड़ा स्टार बन गया। आप लोग जब मेरी फिल्मों में स्टंट्स देखते हैं, मुझे इधर उधर कूदते देखते हैं, आपको लगता होगा वाह, जैकी चैन कितनी आसानी से कर लेता है ये सब। पर जो स्क्रीन पे नहीं दिखता वो है मेरा हार्ड वर्क। मैं सुबह 4 बजे उठकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर 6 बजे सेट पर पहुंच जाता हूं। सेट पर पहुंचकर मेरे मन में बस एक ही चीज होती है कि कैसे मैं अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता हूं। मेरी फिल्में हिट हो या फ्लॉप हो, मैं आज अपना बेस्ट देने पर यकीन रखता हूं। स्टंट्स करते वक्त कई बार मुझे पता होता है कि ये स्टंट करना बहुत जोखिम भरा है, मेरी हड्डियां तक टूट सकती हैं, पर मैं अपने फैंस के लिए उस हद तक जाने के लिए तैयार होता हूँ। आज तक मेरा पेल्विस डिसलोकेट हुआ है। फिंगर, नोज, चिक बोन, हिप्स, नेक, एंकल और रिब्स तक फ्रैक्चर हो चुकी है।
आर्मर ऑफ गॉड की शूटिंग के दौरान मैं बहुत ऊंचाई से गिर गया था। मेरी स्कल में फ्रैक्चर हुआ था। उस वक्त तो मैं मरते मरते बचा। मेरे नाम पे मोस्ट स्टंट्स बाय अ लिविंग एक्टर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे हॉलीवुड से ऑफर आने लगे। रश आवर में क्रिस टकर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। 2002 के बाद द टक्सीडो और द मेडालियन फ्लॉप हुई। एक एक्टर की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। न्यू पोली स्टोरी, द मेथ, रॉब बीहुड, ये फिल्में बहुत कामयाब हुई। द स्पाई नेक्स्ट डोर और द कराटे किड करते वक्त मुझे बहुत मजा आया। हाल ही में मैंने इंडियन एक्टर सोनू सूद के साथ कुंफू योगा बनाई। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। मैंने कुंफू पांडा फिल्म में मास्टर मंकी को आवाज दी है। एनिमेशन मूवीज में आवाज देना बहुत ही मजेदार होता है। मुझे दुनिया भर से अवार्ड्स मिले हैं। इंडिया का आईफा अवार्ड भी और फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च माने जाने वाला ऑस्कर भी। पर मेरे लिए मेरे फैंस के चेहरे की स्माइल ही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे बचपन से ही म्यूजिक का शौक रहा है। आज तक मेरे 20 से ज्यादा एल्बम रिलीज हो चुके हैं। मैं कैंटोनीज, मैंडरीन, इंग्लिश, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, जर्मन, कोरियन, जापानीज, स्पैनिश और थाई भी बोल लेता हूँ। लैंग्वेज आपको लोगों से कनेक्ट होने में मदद करती है। आप भी कोई नई लैंग्वेज सीख लीजिए। कुछ नया सीखने का एक अपना ही मजा होता है। अब मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा। 1982 में मेरी शादी जुआन लिन से हुई। वो एक ताइवानीज एक्ट्रेस हैं। उसी साल हमें एक बेटा हुआ, जेसी चैन। वो एक एक्टर और सिंगर हैं। अपनी पूरी कोशिश करता है अच्छा काम करने की। आपको बता दूं कि मैं चाइना का एंटी ड्रग गुडविल एम्बेसडर हूं। लोगों को ड्रग्स और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह देता हूं। पर मुझे शौक तब लगा जब मेरा ही बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। उसने एडमिट किया कि वो पिछले 8 साल से ड्रग्स ले रहा था। मैं अंदर से टूट चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। पर मैंने अपना नाम और शोहरत इस्तेमाल कर उसे बचाने की कोशिश नहीं की। जेसी को 6 महीने की जेल हुई। मैंने पूरी जिंदगी में किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। पर मेरे बेटे की गलती की वजह से मैंने पब्लिकली माफी मांगी। मैं और क्या कर सकता था। जेसी ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेगा। 2011 में मैंने अनाउंस किया कि मेरे मरने के बाद मेरी आधी कमाई चैरिटी में दी जाएगी। अगर मेरा बेटा लायक होगा तो वो खुद के पैसे खुद कमा लेगा। 1999 में मेरा एक मिस एशिया के साथ अफेयर हुआ। वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने डिसाइड किया कि वो अकेले ही बेटी का ख्याल रखेगी। उसके साथ इन्वॉल्व होना ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम लोगों की गलतियाँ कुछ लोग देखते हैं और एक सेलिब्रिटी की गलतियाँ पूरी दुनिया देखती है। चलिए कुछ और बात करते हैं। मैं यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर हूँ। मैं कैंपेन करता हूँ अगेंस्ट एनिमल अब्यूज। डिजास्टर रिलीफ का भी काम करता हूँ। जैकी चैन स्टंटमैन एसोसिएशन स्टंटमैन को मेडिकल कवरेज देती है। मुझे अच्छा एजुकेशन नहीं मिला। दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने चाइना के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। हमारा जैकी चैन साइंस सेंटर है, जिसमें रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग का स्पोक्स पर्सन हूँ। लोगों को सफाई रखने के लिए अपील करता हूँ। मेरी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है तो दूसरों में बांटना चाहिए। यही एक रास्ता है जिससे हम दुनिया में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे एक प्लेफुल, फन और नाइस जैकी चैन के तौर पर याद रखें। बस अगर आप मुझसे कोई लाइफ लेसन लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा, नेवर गिव अप एंड गो फॉर योर ड्रीम्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।